डियर स्टूडेंट्स, आई प्रोफेसर भारती करारे, लेक्चरर कंप्यूटर डिपार्टमेंट, एनआईटी पॉलिटेक्निक नागपुर, वेलकम्स यू इन दिस ऑनलाइन प्रैक्टिकल सेशन ऑफ कंप्यूटर पेरिफेरल्स एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस। टुडे वी विल सी प्रैक्टिकल नंबर 9, सेट कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्पीकर, माइक्रोफोन एंड एलसीडी प्रोजेक्टर। Now, practical learning outcomes. After watching this video, we will be able to install keyboard, mouse, monitor, speaker and LCD projectors. मतलब ये वीडियो देखने के बाद हम कीबोर्ड को इंस्टॉल कर सकेंगे, माउस को इंस्टॉल कर सकेंगे, मॉनिटर को इंस्टॉल कर सकेंगे, स्पीकर एंड एलसीडी प्रोजेक्टर्स को भी इंस्टॉल कर सकेंगे। Now, practical skills. कौन सी स्किल्स हमारी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद डेवलप होगी? तो हमें डिफरेंट डिवाइसेस को एप्रोप्रिएट पीसी पोर्ट को कनेक्ट करते आएगा यूजिंग केबल्स। मतलब पर्टिकुलर केबल्स यूज करके पर्टिकुलर पोर्ट पे जो डिवाइसेस है, अलग अलग डिवाइसेस है, वो कनेक्ट करते आएंगे। इंस्टॉल एप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर, हमें एप्रोप्रिएट मतलब पर्टिकुलर डिवाइस ड्राइवर, कौन से डिवाइस के लिए जो ड्राइवर है वो इंस्टॉल करते आएगा। हैंडल कंप्यूटर सिस्टम एंड पेरिफेरल्स केयरफुली, और हम कंप्यूटर सिस्टम और पेरिफेरल्स को केयरफुली हैंडल कर सकेंगे। तो ये प्रैक्टिकल स्किल्स हमारी ये प्रैक्टिकल के थ्रू डेवलप होगी, प्रैक्टिकल नंबर 9 के साथ। नाउ कोर्स आउटकम्स, ये प्रैक्टिकल में हमारा कोर्स आउटकम 4 फुलफिल होता है, ट्रबल शूट पेरिफेरल्स एंड नेटवर्क्स। मतलब हम यहाँ पे पेरिफेरल डिवाइसेस, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइसेस है, और बाकी की जो है एलसीडी प्रोजेक्टर, दीज आर द मॉनिटर, दीज आर द आउटपुट डिवाइसेस। तो दीज ऑल आर कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये पेरिफेरल डिवाइसेस को आप सेट कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, इसलिए CO5 ट्रबल शूट पेरिफेरल्स एंड नेटवर्क फुलफिल होता है। नाउ प्रोग्राम आउटकम्स, 1 और 4 हमारे फुलफिल होते हैं, 1 और 4 और 7 फुलफिल होते हैं। 1 मतलब ये प्रैक्टिकल के थ्रू हमें बेसिक नॉलेज मिलता है कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज मिलता है। इंजीनियरिंग टूल्स हमें ये प्रैक्टिकल के लिए लग रहे हैं, मतलब कंप्यूटर लग रहा है। देन एक्सपेरिमेंटेशन, मतलब हाँ एक्चुअली हम ये परफॉर्म करके देखते हैं, इसलिए एक्सपेरिमेंटेशन होता है, और वो प्रॉपरली कनेक्ट हुआ कि नहीं, इसलिए टेस्टिंग होता है। और यहाँ जो नॉलेज हमें ये प्रैक्टिकल के थ्रू मिल रहा है वो हमारा लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, क्योंकि हम लाइफ में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसे यूज कर सकते हैं। नाउ प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस, प्रैक्टिकल नंबर 9 का प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ये है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि कंप्यूटर कैन ओनली इंटरेक्ट विद द वर्ल्ड यूजिंग इनपुट एंड आउटपुट। मतलब कंप्यूटर के साथ अगर हमें कम्युनिकेशन करना है तो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का इम्पोर्टेंट रोल है। इनपुट डिवाइस के थ्रू हम डेटा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को देते हैं, स्टोर करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें जो प्रोसेस किया हुआ डाटा है, जो कैलकुलेट किया हुआ रिजल्ट है, वो हमें मिलता है। सो हेंस स्टूडेंट्स विल बी एबल टू इंस्टॉल एंड सेट डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। मतलब इसलिए स्टूडेंट्स को अलग अलग प्रकार के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को, मतलब जैसे कीबोर्ड, माउस, ये इनपुट डिवाइसेस है, मॉनिटर, स्पीकर, एलसीडी प्रोजेक्टर या आउटपुट डिवाइसेस है, इनको सेट करते आना चाहिए, इनको इंस्टॉल करते आना चाहिए, उनको कनेक्ट करते आना चाहिए। सो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस प्रैक्टिकल। जैसे यहाँ पे देखो, ये आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, और ये आउटपुट डिवाइस है, देन ये कीबोर्ड माउस इनपुट डिवाइसेस है, तो इनका इसके साथ कनेक्शन होना चाहिए। यहाँ से जो डेटा हम इनपुट डिवाइस के थ्रू देंगे वो कंप्यूटर को मॉनिटर को समझना चाहिए, सीपीयू को समझना चाहिए, उस पर प्रोसेसिंग होके जो आउटपुट यहाँ पे कैलकुलेट होगा वो हमें मिलना चाहिए प्रिंटर के थ्रू या मॉनिटर के थ्रू। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन होने के लिए इनका रिलेशन हमें सेट करना पड़ता है, और उसे बोलते हैं हम सेटिंग और इंस्टॉलेशन। नाउ सेटअप ऑफ बेसिक हार्डवेयर, मतलब हमें कौन से डिवाइसेस को सेट करना है इसमें। तो कीबोर्ड है, कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस है, उसका काम क्या है, टू इनपुट डेटा। माउस क्या है, इट इज ऑल्सो इनपुट डिवाइस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉइंटिंग डिवाइस, इसको हम कर्सर कंट्रोल डिवाइस भी बोलते हैं। व्हेन माउस बटन्स आर प्रेस्ड सेंड्स करस्पॉन्डिंग सिग्नल टू द सीपीयू, जब हम माउस की बटन प्रेस करते हैं तो माउस जो है वो करस्पॉन्डिंग सिग्नल सीपीयू को सेंड करता है, इसके थ्रू उनका कम्युनिकेशन होता है।
मॉनिटर क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं हम मॉनिटर को, वो क्या करता है कि यहाँ पे मॉनिटर पे हमें इमेजेस या टेक्स्ट मिलता है तो ये टाइनी डॉट्स के फॉर्म में मिलता है, उसे हम बोलते हैं पिक्सेल्स, और ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंज करके हमें आउटपुट या रिजल्ट डिस्प्ले करता है। स्पीकर किस लिए हम यूज करते हैं, टू हियर साउंड, एंड माइक्रोफोन इसलिए यूज करते हैं हम टू इनपुट साउंड, साउंड को इनपुट करने के लिए। और एलसीजी प्रोजेक्टर का यूज है कि टू डिस्प्ले एनलार्ज व्यू, मतलब कोई भी इमेज है या कोई भी टेक्स्ट है या कुछ भी पिक्चर है तो वो जो डिस्प्ले है वो लार्ज एक्सटेंड में अभी स्क्रीन पे हमें देखना है तो उसके लिए हम एलसीडी प्रोजेक्टर यूज करते हैं। ओके, सो दीज आर द बेसिक हार्डवेयर विच इज टू बी कनेक्टेड टू द सीपीयू। ये सब बेसिक हार्डवेयर है, इसमें कुछ इनपुट डिवाइसेस है और कुछ आउटपुट डिवाइसेस है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस है, एलसीडी प्रोजेक्टर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, माउस एंड कीबोर्ड इनपुट डिवाइसेस है। तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जब तक हम सीपीयू को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन नहीं होगा। सो हाउ टू कनेक्ट इट वो हम देखेंगे। स्टेप्स टू स्टेट द कीबोर्ड, एक तो पहली बात ये है कि हम कनेक्ट कीबोर्ड टू अप्रोप्रिएट कनेक्टर ऑफ सीपीयू, सीपीयू के अप्रोप्रिएट कनेक्टर को, ये दो तरीके से हम कीबोर्ड को सीपीयू से कनेक्ट करते हैं। ये हमारा यूएसबी पोर्ट है और ये कॉम पोर्ट है। तो यहाँ से ये यूएसबी केबल के थ्रू दो प्रकार के कीबोर्ड हम यहाँ पे मिल रहे हैं, यूएसबी कीबोर्ड और ये PS2 कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड को हम वहाँ पे जैसा पोर्ट अवेलेबल है वहाँ पे एक्चुअल पोर्ट पे कनेक्ट करेंगे। तो वहाँ पे हमारा कीबोर्ड के लिए स्लॉट दिया है और उसको सेट कैसे करेंगे कि कंट्रोल पैनल में जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे कीबोर्ड पे, कीबोर्ड में से लिस्ट ऑफ ऑप्शंस अपीयर होंगे, उसमें से आप जो चेंज द स्लाइडर फॉर रिपीट डिले, रिपीट रेट एंड कर्सर ब्लिंक टू वेयर यू वांट देम, यू कैन आल्सो क्लिक ऑन द एम्प्टी बार इन द मिडल ऑफ टू टेस्ट द न्यू सेटिंग। न्यू सेटिंग प्रॉपरली हुई कि नहीं वो चेक करने के लिए हम एम्प्टी बार के मिडल में भी टेस्ट कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ ऑप्शंस वहां अपीयर होंगे, उसमें से पर्टिकुलर ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमारा कीबोर्ड हम सेट करेंगे। नाउ यूएसबी कीबोर्ड को सेट करने की जरूरत नहीं है, हम उसको डायरेक्टली यूएसबी पोर्ट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। वायरलेस कीबोर्ड को वायरलेस डोंगल के थ्रू कनेक्ट करते हैं। स्टेप्स टू स्टेट माउस, माउस के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कनेक्ट माउस टू अप्रोप्रिएट कनेक्टर टू सीपीयू। जैसे ही कीबोर्ड के लिए यूएसबी और PS2 कनेक्टर्स है वैसे ही माउस के लिए भी कनेक्टर होते हैं और अप्रोप्रिएट पोर्ट पे हम कनेक्ट करते हैं। हम कंट्रोल पैनल पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे माउस पर, फ्रॉम कंट्रोल पोर्ट पे माउस फाइंड आउट करके डबल क्लिक करेंगे, एडजस्ट द सेटिंग फ्रॉम फिजिकल बटन, फिजिकल बटन के थ्रू हम सेटिंग एडजस्ट करेंगे। बटन टैब अलाउज यू टू चेंज, हमें चेंज करना है तो बटन टैब हमें अलाउ करता है। चेंज यूअर पॉइंटर्स, पॉइंटर को हम चेंज करेंगे। द पॉइंटर टैब अलाउज यू टू चेंज द कर्सर फॉर ऑल द डिफरेंट मूव्स। एडजस्ट द माउस मूवमेंट, माउस मूवमेंट को हम एडजस्ट करेंगे, एंड द पॉइंटर ऑप्शन विल यूज टू चेंज हाउ द माउस कर्सर मूव्स अराउंड द स्क्रीन, स्क्रीन के अराउंड कैसे चेंज होता है यह हम चेक करेंगे। नाउ स्टेप्स टू सेट माइक्रोफोन, माइक्रोफोन के लिए माइक्रोफोन का सेटिंग क्यों है, क्योंकि हमें स्पीकर के थ्रू अगर साउंड चाहिए तो हमें माइक्रोफोन के थ्रू उसे इनपुट देना पड़ेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, कनेक्ट माइक्रोफोन टू जैक ऑन द साउंड पैनल फ्रॉम बैक ऑफ सीपीयू टू सीपीयू के बैक में। ये देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ये पिंक कलर का, यहाँ पे दो आउटलेट्स है, तो यहाँ पे हम ये माइक्रोफोन के कनेक्ट करेंगे, जैक बोलते हैं हम इसको जैक बोलेंगे। ओपन द कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे, डबल क्लिक साउंड एंड ऑडियो डिवाइसेस पे, कंट्रोल पैनल के साउंड एंड ऑडियो डिवाइसेस पे हम क्लिक करेंगे, सिलेक्ट ऑडियो, टैप इन साउंड रिकॉर्डिंग एंड सेट डिफॉल्ट डिवाइस, सिलेक्ट वॉइस, टैप इन वॉइस रिकॉर्डिंग एंड सेट डिफॉल्ट डिवाइस। इस तरीके से हम माइक्रोफोन को यहाँ पे सेट करेंगे। सो यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग्स नाउ। देन स्टेप्स टू सेट मॉनिटर, मॉनिटर को सेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें मॉनिटर केबल लगानी पड़ेगी। मॉनिटर केबल कैसे यहाँ पे दिखती है, डिफरेंट डिफरेंट केबल्स है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखा ब्लू कलर का मॉनिटर केबल हमें दिख रहा है, यहाँ पे वैसे ही पोर्ट अवेलेबल है जहाँ मॉनिटर का कनेक्शन है, वो हम वहाँ कनेक्ट करेंगे प्रॉपरली। देन कनेक्ट करने के बाद मॉनिटर का एक केबल पावर को रहता है, मॉनिटर का एक केबल सीपीयू को जाता है। सो राइट क्लिक द डेस्कटॉप बैकग्राउंड, सिलेक्ट प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज पे सिलेक्ट करेंगे हम, और ओपन कंट्रोल पैनल, डबल क्लिक ऑन डिस्प्ले, डिस्प्ले पे डबल क्लिक करेंगे,
टू ओपन द डिस्प्ले सेटिंग ऑफ विंडो। विंडो का डिस्प्ले सेटिंग देखने के लिए हम डबल क्लिक करेंगे। थीम्स टैब पे हम क्लिक करेंगे टू सेट डिफरेंट थीम्स अवेलेबल। यहाँ मॉनिटर पे अलग अलग थीम्स को सेट करने के लिए हम थीम्स टैब सिलेक्ट करेंगे। डेस्कटॉप टैब कैन बी यूज टू सेट बैकग्राउंड पिक्चर एंड डेस्कटॉप आइकन। डेस्कटॉप टैब सेट करेंगे ये अलग अलग आइकॉन्स को, यहाँ पे जो आइकन्स रहते हैं उसको सेट करने के लिए। स्क्रीन सेवर टैब कैन बी यूज टू सेंड स्क्रीन सेवर। यहाँ पे हमें स्क्रीन सेवर चाहिए, थोड़ी थोड़ी देर में हमारी स्क्रीन अगर चेंज होना है, उस पर कुछ अलग या आइकॉन आना, अलग पिक्चर आना चाहिए, तो हम स्क्रीन सेवर टैब सिलेक्ट करेंगे और वहां से लिस्ट में से स्क्रीन सेवर सिलेक्ट करेंगे। अपीयरेंस टैब कैन बी यूज टू सेट विंडोज अपीयरेंस। विंडोज अपीयरेंस हमें कैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग, उसका कलर कैसा चाहिए, उसका फॉन्ट कौन सा चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम अपीयरेंस टैब को सिलेक्ट करेंगे। सेटिंग टैब कैन बी यूज टू सेट स्क्रीन रिजोल्यूशन एंड कलर क्वालिटी ऑफ मॉनिटर। मॉनिटर की कलर क्वालिटी और रिजोल्यूशन सेट करने के लिए हम सेटिंग टैब पे जाके उसका सेटिंग करेंगे जो हमें चाहिए उसके उस हिसाब से। यहाँ उसका कनेक्शन दिया है और हम उस तरीके से कंट्रोल पैनल के थ्रू सेटिंग करें। नाउ स्टेप्स टू सेट एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी प्रोजेक्टर किस लिए होता है कि एलसीडी प्रोजेक्टर के थ्रू हम एनलार्ज व्यू देखते हैं, एनलार्ज इमेजेस को वो प्रोसीड करता है, एनलार्ज टेक्स्ट को प्रोसीड करता है। तो उसे कनेक्ट कैसे करेंगे हम? सेटअप द प्रोजेक्टर फेसिंग द स्क्रीन एंड प्लग इन पावर कॉर्ड। मतलब प्रोजेक्टर को हम इस तरीके से रखेंगे कि इसका जो फेस है वो फेस स्क्रीन पे जाना चाहिए। फेस मतलब जहां पे हमें डिस्प्ले करना है एलसीडी प्रोजेक्टर का, वो डिस्प्ले के साइड में उसका फेस होना चाहिए। प्लग इन पावर कॉर्ड, पावर कॉर्ड उसको लगाएंगे पहले एक पावर टू प्रोजेक्टर। देन सेट पीसी लैपटॉप नेक्स्ट टू द प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर के आगे हम या लैपटॉप लगाएंगे या पीसी लगाएंगे, मतलब उसका एक केबल ये प्रोजेक्टर को रहेगा और एक केबल उसमें एक यहाँ पे कनेक्ट रहेगा और एक पावर केबल के थ्रू कनेक्ट रहेगा। कनेक्ट प्रोजेक्टर टू पीसी लैपटॉप यूजिंग वीजीए एचडीएमआई केबल। एचडीएमआई केबल के थ्रू या वीजीए केबल के थ्रू हम प्रोजेक्टर को कनेक्ट करेंगे। टर्न ऑन यूर पीसी लैपटॉप फर्स्ट एंड देन टर्न ऑन द प्रोजेक्टर। पहले हमें लैपटॉप या पीसी को ऑन करना है, देन प्रोजेक्टर को ऑन करना है। द लैम्प विल टेक अ मिनट टू वार्म अप अ डिस्प्ले। थोड़ा टाइम लगेगा, वहां पे हमें थोड़ा एक कलर ब्लिंक करेगा लाइट और थोड़ी देर में के बाद हमें एक छोटा सा डिस्प्ले स्क्रीन पे दिखेगा। आफ्टर यू हैव सेट द डिस्प्ले मोड यू मे नीड टू एडजस्ट यूर लैपटॉप अप्रोप्रिएट रेजोल्यूशन। अगर एक बार हमें डिस्प्ले मोड सेट हो गया, डिस्प्ले मोड दिख गया, तो उसके बाद हम हमारा लैपटॉप या पीसी जो है वो अकॉर्डिंग टू दैट प्रोजेक्टर के हिसाब से रिजोल्यूशन उसका सेट करेंगे हम। क्लिक ऑन सेटिंग्स टैब और जनरल सेटिंग एंड मेक श्योर द स्क्रीन रिजोल्यूशन इज टू बी अप्रोप्रिएट वैल्यूज। मतलब उसको सेटिंग टैब के ऊपर जाके और जनरल सेटिंग्स के ऊपर जाके हम रिजोल्यूशन प्रॉपर है कि नहीं वो चेक करेंगे, या अगर हमें चाहिए तो हम उसे सेट करेंगे। क्लिक आफ्टर दैट क्लिक ऑन अप्लाई एंड देन ओके। उसके बाद हमें उसके क्लिक करना, अप्लाई करना पड़ेगा एंड देन ओके करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये जो प्रोजेक्टर है वो लैपटॉप के साथ या हमारे पीसी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। प्रोजेक्टर को हम एट ए टाइम दो आउटपुट डिवाइसेस मतलब दो मॉनिटर लगा सकते हैं, मतलब एक लैपटॉप और दूसरा पीसी भी हम एक साथ ही लगा सकते हैं। तो प्रोजेक्टर से वहां से दो केबल्स निकलती है, एक प्रोजेक्टर के पावर के लिए जाती है पावर टू प्रोजेक्टर और दूसरा रहता है लैपटॉप टू प्रोजेक्टर या फिर मॉनिटर टू प्रोजेक्टर। ओके सो इन दैट वे ये इनपुट देने के लिए है, तो दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए एक आउटपुट रहता है उसमें हमें कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती है, जस्ट वी हैव टू कनेक्ट इट एंड सेट। सो इस तरीके से हमने प्रैक्टिकल नंबर 9 परफॉर्म किया है, देखा है कि हाउ टू सेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लेकिन जाते जाते हम ये भी देखते हैं कि कंट्रोल पैनल कहाँ से हमें मिलता है। सभी चीजें सभी सेटिंग हम कंट्रोल पैनल के थ्रू ही करते हैं, तो हमें सेटिंग कहाँ से मिलता है, तो उसके लिए हम थोड़ा देखते हैं लास्ट में। तो ये जो सर्च पैनल है यहाँ पे हमें कंट्रोल पैनल सर्च करना होगा। यहाँ हम लिखेंगे कंट्रोल पैनल, तो ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल पैनल मिलता है और यहाँ कंट्रोल पैनल में सभी चीजों का जैसे सिस्टम सिक्योरिटी नेटवर्क है, हार्डवेयर एंड साउंड है, तो यहाँ पे हम सभी चीजों से यहाँ से हमारा हार्डवेयर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ व्यू डिवाइसेस और प्रिंटर्स है, ऐड डिवाइस है, तो इसी के थ्रू
हम हमारे सभी हार्डवेयर डिवाइसेस को सेट कर सकते हैं. सो इन दैट वे वी हैव टू